हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी और बड़ी। तो कढ़ी के साथ में मैं यहाँ पे बेसन की बड़ी बनाने वाली हूँ। और कढ़ी बड़ी तो बहुत ही फेमस डिश है, चाहे वो स्टेट कोई भी हो, मतलब पसंद बहुत किए जाते हैं। लेकिन मैं जो बताऊँगी ये मैं बिहारी स्टाइल में मैं आपको बताने वाली हूँ, बेसन की कढ़ी और पकौड़े के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है 2 चम्मच मैंने भर के बेसन, चने का बेसन मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अजवाइन ले रही हूँ, तो 1 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन, उसे हाथों से आपको रगड़ के और तब आपको डालना है बेसन के अंदर। यहाँ पे मैं बड़ी की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ी की हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बाउल कटी हुई बारीक प्याज डाली है। और यहाँ पर प्याज चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप प्याज मत डालिए। और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब हाफ हाफ स्पून, हल्दी पाउडर और हाफ स्पून। और यहाँ पे मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, नमक अपने स्वाद के अनुसार। इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। अभी मैं हींग डालती हूँ पहले थोड़ी सी। तो कढ़ी बड़ी में हींग बहुत ज़रूरी होता है, तो ज़रूर डालिएगा। हींग के बिना मतलब कढ़ी बड़ी बहुत टेस्टी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, तो मैंने यहाँ पर, और अब इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे पहले मिक्स। और उसके बाद पानी दे करके हम इसकी एक बैटर, एक गाढ़ी बैटर बनाएंगे, जिससे कि हम बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी है। अब इन सबको थोड़ा सा पानी दे करके हमें करना है अच्छे से मिक्स। और इतना हमें इसे थिक रखना है कि हम बड़ी जब डालें तो ये ऑयल में जा करके फैले नहीं, क्योंकि हमें छोटी छोटी बड़ी बनानी है कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है, जैसे कि हम फेंट रहे हैं इसे। और जितनी अच्छी आप फेंटेंगे ना, उतनी ही सॉफ्ट जो है ना वो बड़ी बनने वाली है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बेसन है उसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है। और ऐसे ही छोटे छोटे उठा करके आपको उसको ऑयल में डालना है, गरम तेल में। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे ऐसे ही बड़ी डालूंगी। आपको अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा राउंड में चाहिए या बड़े चाहिए, तो आप थोड़े से बेसन और इसमें मिक्स कर दीजिए। मुझे थोड़े छोटे और सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा उसे ढीला रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसन डाल करके और इसे आप थोड़ा सा और इसे आप ये कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने, मुझे जिस टाइप से चाहिए मैंने उतने मतलब इसमें पानी डाली है उस क्वांटिटी में ही, और बैटर रेडी किया है। तो ये आप इसे इसी तरीके से आप छोटे छोटे बड़ी बनाइए, क्योंकि इससे क्या होते हैं ना कि खूब सॉफ्ट रहते हैं। ज़्यादा आप हार्ड अगर बेसन को रेडी करते हैं ना, तो उसकी जो बड़ी होती है ना वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा हमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है, और जिससे कि बड़ी आपकी खूब फुली फुली और सॉफ्ट बनेगी। लेकिन फेंटना बहुत ही अच्छे से है इसे। तो यहाँ पर इसे हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे और तब इसकी छोटी छोटी बड़ी बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़ी है, जैसे जैसे ये ऑयल में ये होंगी ना, फ्राई होगी, वैसे वैसे ये फुल फुल करके बड़ी हो जाएगी। तो देख सकते हैं ना कि थोड़ी सी साइज़ में बड़ी बड़ी हो गई है ये कड़ी बड़ी की बड़ी जो है शो। तो ऐसे ही हमें इन सबको फ्राई करना, और कलर हमें गोल्डन ब्राउन रखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है, अब मैं इन सबको निकाल लूँगी। ये हो चुके हैं, मुझे मतलब जिस कलर के चाहिए वैसे हो चुके हैं, और बड़ी के कलर यही होने चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट इन सबको बाहर निकाल लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये जो है ये फ्राई हो चुके हैं। आप चाहे तो टॉवल पेपर पे भी इसे निकाल सकते हैं, और लेकिन मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके हम बाकी के जो बड़ी है उसे भी हम बना लेंगे। तो चलिए हमारी सारी बढ़िया बन चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़े से बेसन ले रही हूँ। ये मतलब हाफ कप मैंने लिया है, और यहाँ पर मैंने हाफ कप से ज़्यादा मैंने यहाँ पे दही ली है। और इन दही को मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी बेसन के साथ में।
और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले में हमें सिर्फ हल्दी और हल्दी यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो पहले मैंने हल्का मिक्स करके छोड़ा है, अब चलिए हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी जो है वो आप यहाँ पे अगर ऐड कर लेंगे थोड़ी ज़्यादा करके, तो आपको फिर ये मसाले में आप इसकी क्वांटिटी कम रखिएगा या नहीं भी रखे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे हल्दी जितनी मुझे कढ़ी में चाहिए उस क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हमें इसे अच्छे से करना है मिक्स, और इसके बाद हमें पानी डाल करके कढ़ी के लिए जो होती है वो हमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी डालना है, क्योंकि जो बेसन है जब हम इसे डालेंगे पकने के लिए, तो ये इसके बेसन बहुत जल्दी मतलब ये हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगेंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए आपको पानी डाल के ही उसे ढीले रखने हैं, और बाकी की जो बड़ियां हैं वो हो गई हैं रेडी। तो इन बड़ियों को निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में हम बनाने वाले हैं कढ़ी को भी। तो चलिए पहले इस बड़ी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सब बड़ियों को निकाल लेती हूँ बाहर। तो देखिए बड़ी हमारी हो गई ना बहुत अच्छे से रेडी। अब यहाँ पे मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, और उसी के साथ में मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। आप यहाँ पे आप चाहें तो अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 मैंने सूखी लाल मिर्च, तो और यहाँ पे कटे हुए बारीक प्याज, एक छोटी मतलब एक प्याज मैंने यहाँ पे कटे हुए डाले हैं बारीक कटे हुए। अब इन सबको आपको अच्छे से करना है फ्राई, तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इन सबको। इसे गैस की फ्लेम को आप हाई रख के ही फ्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें फटाफट इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो चलिए यहाँ पे फ्राई हो रही है अच्छे से। और ये जो यहाँ पे मैंने डाला है ये लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है मैंने, वो 1 स्पून, तो हाफ हाफ स्पून करके मैंने 2 बार लिया है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके प्याज के साथ में ही हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्याज जो है हमारी वो मतलब जो उसके कलर थे वो चेंज हो गए हैं, और अब फ्राई कर मतलब फ्राई हो रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हमें यहाँ पे हाफ स्पून हींग डाल देना है। हींग कढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे पेट वगैरह भी अच्छा रहता है, और हींग से कढ़ी के स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया। अब मैं हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली है, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हमने ऑलरेडी बेसन में डाल रखा है। यहाँ पे मैंने गोल मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। और उसके साथ ही अब इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, और फ्राई करना है इसे। तो मैं थोड़ा सा पानी दे करके इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे आपको फ्राई और मसाले के साथ में मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने कढ़ी के लिए जो हमने रेडी किए हैं कढ़ी बेसन और दही को, तो उसे हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसे हम अच्छे से होने देंगे फ्राई। और यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो पानी दे करके इसे फ्राई कर लीजिए, अगर आपको मतलब मसाले आपके लग रहे हैं कि ऑयल में ये जल रहे हैं या कुछ भी, तो आप थोड़ा सा पानी दे करके भी इसे फ्राई, लेकिन मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। और यहाँ पर जो है ये बेसन जो हमने रेडी किया था, दही और बेसन उसे डालिए। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ बेसन घोल के यहाँ पे डालते हैं, दही को बाद में डालते हैं, तो उससे मतलब दही फटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर दही को डालेंगे ना बेसन के साथ मिक्स करके, तो आपकी जो कढ़ी है वो कभी फटेगी नहीं। तो इस चीज़ का ये टिप्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, सॉल्ट डाला है, और इन सब को अब हमें अच्छे से पकने देना है। मिक्स कर देती हूँ मैं इसे अच्छे से पहले, और उसके बाद इन सब को हमें पकने देना है अच्छे से। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को हाई ही रखनी है, क्योंकि हमने दही बेसन डाल दिए हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को लो नहीं रखना है, हाई रखना है, जिससे कि दही फटे नहीं। तो इस टेक्निक से आप बनाएंगे आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी। कढ़ी के में दही जो आप डालते हैं और दही फट जाती है वो कभी नहीं फटेगी। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, जो लोग नहीं मिक्स करते उनके लिए टिप्स है कि वो बेसन और दही को साथ में मिक्स करके ही कढ़ी में डालें, तो मसाले में डालें, तो वो बहुत ही अच्छी कढ़ी, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती भी है और फटती भी नहीं है।
तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसे पकाएंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमने बेसन डाला है और बेसन को हमें अच्छे से पकने देना है। तो पकाने के लिए आपको यहाँ पर बेसन को अच्छे से यहाँ बॉयल होने देना है, और लेकिन कंटिन्यू आपको यहाँ चलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे से जलनी शुरू हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये जो है वो कढ़ी जो हमारी है वो मतलब उसमें उबाल आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पक रही है। तो ऐसे ही हमें इसे अच्छे से पहले पका लेना है। अब कढ़ी जो है वो इतनी पक चुकी है अच्छे से कि अब हमें यहाँ पे बड़ी डाल देने हैं, क्योंकि अब बड़ी को डाल करके हम 2 मिनट तक उसे भी कढ़ी के साथ में मतलब मिक्स होने देंगे, पकने देंगे, जिससे कि वो जो बड़ी में कढ़ी के जो स्वाद है वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कढ़ी जो है बड़ी कढ़ी को एब्जॉर्ब करेगी, तो थोड़ा सा कढ़ी का जो क्वान्टिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि आप बहुत ही गाढ़े मतलब कढ़ी बहुत गाढ़ी रेडी मत कीजिएगा, थोड़ा हल्का आपको रनी रखना है, जिससे कि जब आप कढ़ी उसके अंदर डालेंगे तो वो कढ़ी सोख लेगी और बहुत ही अच्छी मतलब ये हो जाएगी, एकदम जैसी आपको चाहिए उस टाइप से ये रेडी हो जाएगी सोखने के बाद, क्योंकि बड़ी जो होती है वो कढ़ी में जाने के बाद सोखती है। तो बस ऐसे ही, चूँकि बेसन है तो बेसन तो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, पानी हो या मतलब कुछ भी हो, तो इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कढ़ी बड़ी है वो हो गई है रेडी। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और अपने अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने का मौका मिले। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरी जो भेज की रेसिपी है, और ऐसी बहुत सारी रेसिपी है जिसको आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए। ये कढ़ी जो है वो राइस के साथ में बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइए कढ़ी और राइस, और खाइए, मज़े लीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी हमारी एक कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलते हैं।